गुरु ऐसा है कि आप सत्संग में कहते हैं कि हमें हम निःशुल्क दासता है शिव जी की, तो मन इतना चतुर हो गया कि पहले तो अपनी बात रख देता है फिर बोल देता जोई जोई प्यारो गुरु जोई माय बात। आप बात इससे भी बन जाएगी, इससे भी बन जाए, बहुत बढ़िया है, इससे भी बन जाए, क्योंकि हम केवल अपने आराध्य देव से ना हमारे हम मांग भी करें तो आराध्य, तो आगे चलकर ऐसी स्थिति होती कि इतना वो दे देते कि मांगने की जरूरत नहीं होती, पर अगर हमारी ऐसी स्थिति नहीं है तो हम केवल अपने आराध्य देव से मांगे और बस छूट दे दे कि मांग हमारी है, पूरी करना या ना करना आपकी इच्छा की बात, तो आप जैसा करेंगे उसी में राजी रहेंगे, बस ये सच्चे भक्त का स्वरूप आ जाएगा। तो मन की चतुरता होगी ना कि चतुरता से अपनी बात रखकर, तो चलो अच्छा तो है कम से कम चतुरता से भोगों में तो नहीं फंसा रहा, चतुरता में नरक तो नहीं ले जा रहा, कम से मन के सपोर्ट से तो हम परमार्थ में चलेंगे, अगर हमारा मन सपोर्ट ना करे तो क्या बैठे रहो, तो वो अगर चतुरता कर रहा है तो उसे प्रणाम करते कि तू ऐसी ही चतुरता कर, इस मांग तो केवल श्री जी से मांग, अगर तुझे कोई भी है तो श्री जी दूसरी जगह, ये तो बहुत बड़ा प्लस पॉइंट हो जाएगा परमार्थ में कि मन ने ठान लिया है कि हमें भोग भी चाहिए तो श्री जी के इशारे से चाहिए, हमें और के नहीं तो बस बात बन गई, मालिक से नजर मिली रहे फिर क्या कोई परेशानी नहीं होती, वो विजय को ही प्राप्त होगा, समझ रहे, तो मन तो प्रणाम करने लायक है, वो जितना चतुर है उससे अनंत गुना चतुर, लाल जो लाल जो से भी बड़ी चतुर प्रिया जी अति लागरी वृषभान, एक पद में आता रूप रास अति चतुर शिरोमण अंग अंग सुकुमारी आवत सी वृषभान दुलारी। अच्छा लालजू के एक संकल्प से अनंत ब्रह्मांडों का सृजन हो जाता है, वो हमारी प्रिया जी के अधीन है, तो हमारी मांग कितनी होगी, हमारी चाह कितनी होगी, ऐसे राय के बराबर भी तो नहीं होगी, अगर अनंत ब्रह्मांडों के हिसाब से देखे तो क्या है, कुछ मांगना है तो खूब मांगो श्री जी से मांगो, या आप मालिक हो हमारे आप देख लो, हम तो बच्चे हैं, अगर हम मांग रहे हैं तो आपको उचित लगे तो देना, ना उचित लगे तो डांट देना, बस है आपसे, बने तो आपसे बने, बिगड़े तो आपसे भरपूर बिगड़े, दूसरे से नहीं, हो गया काम, इतने ही तो हम चाहते, हम कभी ऐसा उपदेश नहीं करते आप जितेंद्री हो जाओ, आप आत्मनिष्ठ बनो, आप ऐसे हम जानते क्योंकि उसी मार्ग में चले, जितेंद्री होना निष्ठ होना मतलब लोहे के चने चबाना, तो फिर यही फल कैसे प्राप्त हो, आप श्री जी के हो जाओ, आप जो भी मांगो जो भी जैसे भी हो जैसे भी हो ऐसे रहो श्री जी के साथ, उनसे कोई पर्दा मत करो, बस वही बात बन जाएगी जो उधर से बननी, बहुत सहज और सरल है, हम ये तो नहीं कह रहे ऐसा मत करो, हम विषय भी है तो हम विषय सहित प्रभु को समर्पित हो जाए वो ठीक कर लेंगे, अगर हम ये कहें कि तुम निर्विषय हो गए तो डर जाओगे, अरे ऐसा नहीं रकील खींच दे अभी कि इतने माला जपना होगा आपको ऐसा रहना होगा तो अभी काम जाओ, हाँ तुम आगे कदम देखो, बुराई तुम छोड़ नहीं सकते ठीक पक्की बात, तो भलाई जो हम दे रहे हैं इसको उसमें और मिला लो, तो देखते हैं तुम्हारी बुराई में दम है कि हमारी भलाई में दम है अगर ये कहा जाए कि बुराई छोड़कर भलाई तो किसके बल से छोड़े, पहले बल तो उसे दो, हाँ तो तुम राधा राधा बोलो, कितने ऐसे लोग हम प्याज लहसुन खा रहे कोई बात नहीं, अब हम तुम्हें उपाय बताते, श्री जी का प्रसाद किसमिस का भोग लगा लो, एक किसमिस डाल के श्री जी से प्रार्थना, अपने आप माना सब छूट जाएगा, अपने आप सब ठीक हो जाए, पहले परमार्थ में कदम तो रखो। देखो नारद जी बहुत चतुर सुजान महापुरुष है, जब वाल्मीकि जी से कहा कि आप भगवत नाम जप करो, उनका जिंदगी में हिंसा चोरी इसके सिवा हमसे कुछ बना नहीं, हमारी रुचि नहीं होगी, बोले तुम्हें मारने में रुचि हुई, बोले हाँ, बोले मरा कह सकते हो, बोले ये तो अभ्यास है, बोले बोलो मरा 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 मरा, दो के बाद निकलने लगा सीधा राम 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 राम, बोले जब तक हम आए नहीं तब तक ये जपते रहना, बस हमारी ये बात ध्यान रखना जब तक हम ना आए, समाधि लग गई दीमक लग गई शरीर में, वाल्मीकि जी का नाम उसी से पड़ा, वाल्मीकि कहते हैं जो दीमक ऐसे पिंड कर देती ना वैसे पिंड, वैसे जब लौट के आए दिव्य दृष्टि से देखा तो ब्रह्म प्राप्त महापुरुष, गुरु आज्ञा में हो गए ब्रह्म प्राप्त हो गए, अगर उनको सिद्धांत बताते तो कैसे चलता, बस इतना जब हो जाएगा धीरे धीरे मरा 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 मरा, भगवान के अवतार के पहले चरित्र और संस्कृत से वाल्मीकि रामायण की, कितने बड़े महाकवि कितने बड़े महापुरुष हो गए, उल्टा नाम जपत जग जाना वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, तो पहले कदम तो रखने दो इधर,
शराब पीते हो, व्यभिचार करते हो, गंदे आचरण करते हो, नहीं छोड़ पाओगे क्योंकि तुम्हारे अंदर आध्यात्मिक ऊर्जा शक्ति नहीं। आओ सत्संग में बैठो, राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम जप करो, वृंदावन आओ, दर्शन करो, बार बार आओ, तो ये परमाणु तुम्हारे ऊपर हावी होंगे, ग्लानी पैदा करेंगे। तब जब आप स्वयं छोड़ोगे, अब हम कसम दे दे कि आज के बाद ऐसा नहीं, तो तुम्हारा जो स्वभाव है वो हमारी कसम को बहा देगा। नहीं, तुम अगर 10 बार पीते हो, कोशिश करो 8 बार कर लो, 6 बार कर लो, पर धीरे धीरे आओ, धीरे धीरे, तो सहत सहत बढ़े, भगत उसकी भक्ति बढ़ेगी और भगवत प्राप्त हो जाएगा। तो हमें ये नहीं सोचना कि मेरे मन की चतुराई है क्या कि मुझे पास रहा है। तो तुम्हारे अंदर ताकत हो तो अभी लगाओ ब्रेक, जब नहीं लगा सकते तो बहुत बढ़िया सपोर्ट कर रहा है, विषय विचार आए तो प्रभु से बस बात बन गई। अगर हम विषय देखो, करदम जी महाराज जब ब्रह्मा जी ने उन्हें आदेश किया कि आप जो है सृष्टि को प्रकट करो, तो ब्याह करो, सृष्टि प्रकट करो, तो उनका हमें अगर ब्याह करना है तो भगवान के ही सारे से करना है। 10,000 वर्ष तक भगवान की आराधना की, भगवान प्रकट है तो उनका पितामह का आदेश है सृष्टि प्रकट करे, तो हमें ऐसी पत्नी प्रदान कीजिए जो आपके चरणों की निष्ठा और रति प्रदान करे। भगवान के आंसू आ गए किस बात के लिए, बिंदु सर उन्हीं के आंसू से बना कि मेरे लिए इतना कठिन तप किया, मैं सामने हूं, मेरा प्रेम न मांग करके पत्नी मांग रहे, लेकिन उन्होंने आज्ञा का पालन किया। ब्रह्मा जी जानते हो पत्नी कौन हुई, देवहूति, बस इतना ही मांगा था, अब मांगा पत्नी और आप बन के स्वयं पुत्र है, करुणा करके कपिल भगवान के रूप में और उनको उपदेश करके परम पद प्रदान। भगवान से मांगा हुआ विषय फंसा नहीं सकता, नष्ट नहीं कर सकता, वो भगवान की ही प्राप्ति। आज तक कोई भगवान से विषय मांगा हो और फंस गया हो तो बताना। एक कल्प का राज्य दिया लंका का, तो विभीषण काव्य गए प्रभु आपकी बोले अविचल भक्ति रहेगी। प्रहलाद जी को भी वही राजपद दिया, अविचल भक्ति रहेगी। अम्बरीश जी चक्रवर्ती सम्राट, कोई फांस पाया क्या? अरे जब प्रभु हमारे रक्षक है तो कौन फांस पाएगा। अगर हमें विषय भी चाहिए तो जिसने एक संकल्प से अनंत ब्रह्मांडों में विषय, उससे मिलो, उससे बात करो, निहाल कर देगा। क्या है भिखारियों से मांगना, संसार सब भिखारी, कोई भी हो, किसी की झोली छोटी है 100 रुपये में काम चल जाता है, किसी के 1 लाख में, किसी के 1 करोड़ में, किसी के 1 अरब में, और किसी का काम ही नहीं चल रहा, वो परेशान है। तो है तो सब भिखारी, छोटे बड़े सब भिखारी ही है, जैसे ये फुटपाथ में बैठे रहते ना वृंदावन में, तो कहते हैं बड़े भिखारी, वो बड़े भिखारी बहुत छोटे भिखारी 100-200 में आनंदित होकर वृंदावन वास कर रहे हैं। बड़े भिखारी तो बढ़ करके देखिए, करोड़ों आ रहे फिर भी टेंशन में, डिप्रेशन में है कि अभी 1 अरब का हिसाब किताब करना कैसे होगा, जिनके 1 अरब का हिसाब किताब चलता है वो और ऊपर बढ़ रहे हैं। तो ये है, हम प्रभु से, प्रभु अनंत संपत्तिशाली, उनसे कहो तो या तो इच्छा खत्म कर देंगे और या फिर ऐसे बना देंगे कि मतलब आपको दूसरे के सामने ये दरबार ऐसा, यहां से मांगने के बाद कहीं और मांगना नहीं पड़ता। अगर प्रभु देते हैं तो यहां से मांगने के बाद कभी मांगना नहीं पड़ता। नरसिंह मेहता जी की बेटी के भात भरने में वर्षा कर दी संपत्ति की, वर्षा, अरे उनके लिए कुछ पर हमें ये सब कथा लगती है, हमें विश्वास नहीं होता। पक्का बिल्कुल दृढ़ विश्वास रखो, अगर हमें विषय भी चाहिए एक तो ना मांगे, पर जब हिम्मत नहीं है तो मांगे फिर प्रभु से, विषय प्रभु से मांगे, वो सब ठीक कर देते हैं। आज तक जिसने प्रभु से मांगा है निहाल कर दिया है और वो विषय के साथ अपनी भक्ति देते हैं, संसार में कौन कितना दे सकता है, खुद भिखारी कौन दे सकता है, कोई नहीं, अपनी भक्ति हो जाए तो बस बस, जिसके आ गई भक्ति प्रभु ऐसे ही कर। देखो जब मथुरा पधारते हैं ना, तो एक अगर माला पहना दी तो देखो क्या आशीर्वाद देते हैं, किसी ने कपड़ा पहना दिया, किसी ने चंदन लगा दिया, सबको परम पद देते चले जा रहे हैं, अविचल भक्ति और कुल परंपरागत तुम्हारी लक्ष्मी बढ़ती रहे। वो भगवान है, करुणा समुद्र है, उनका आश्रय आप आज ही शरणागत हुए हो तो पहले तो खूंटा हिलाया जाएगा, जैसे गाय बांधी जाती तो किसान खूंटा को इधर उधर करके देखता है ना, फिर उसमें ठोकता है, तो ऐसे हमारी पहले निष्ठा बनाई गई, जब निष्ठा बन गई बस फिर आनंद हो गया। अब उसमें मिलिट्री में भी जाओ तो कहते हैं 3 महीने और ट्रेनिंग, तो अभी बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, इससे बड़ा कोई डिपार्टमेंट नहीं, हरि पार्षद हरिदास पद, इससे बड़ा कोई नहीं। अब इस पद की प्राप्ति के लिए जब चलोगे तो माया तो अब विघ्न डालेगी, अब आपको कला भी वही बताएंगे प्रभु और विघ्न भी वही डलवाएंगे, तो बस उन्हीं की शरण में बने रहना तो कोई विघ्न तुम्हें फिर आगे बढ़ जाएंगे। मम माया अधुरतया
उनकी कृपा, घबराना नहीं। हाँ नहीं, बिल्कुल नहीं। बस मैं कहीं घबरा हो जाता, घबरा इसलिए जाती है, प्रभु प्रभु का विस्मरण हो जाता है। अगर प्रभु के वैभव का, प्रभु की सामर्थ्य का स्मरण रहे तो कभी घबरा नहीं सकते। फिर मैं बाहर की तरफ अभी क्या है कि बड़ा वो होता है, अभी प्रभु से अपना, आप समझो रावण की सभा में जाने पर बड़े बड़े लोकपाल कांपते थे बिना कुछ कहे। उस सभा में प्रभु के प्रताप को जानने वाले अंगद ने ताल ठोक दिए, पैर जमा दिया, बार बार तू मेरे प्रभु को मनुष्य कहता है, देख मैं उनका एक तुच्छ दास हूं। राम प्रताप सुमिर पन रोगा, भगवान के प्रताप का स्मरण करके, अब अगर सभा में कोई तुम्हारे वीर हो तो मेरा चरण उठा दे। राम वापस लौट जाएंगे, सीता को हार जाएंगे, कितना अधिकार, ये तो केवल राम जी के ऊपर है अधिकार, लेकिन दास अपने स्वामी के प्रताप के बल पर कितना हिल गए, किसी की ताकत नहीं रही। वही प्रभु तो हमारे स्वामी है, तो हमारा विश्वास जितना बढ़ता जाएगा बहुतने, हम प्रभु के वैभव का, प्रभु की संपत्ति का जितना भोग कर रहे हैं स्वामी बन करके, वही नुकसानदायक है। अगर दास बन करके तो उससे बड़ा आपको सब वैभव देख सकते, आपको से तो नहीं देख सकते। किसको? आप प्रभु को। अरे कैसी बात कर रहे हो, हलचल सामने देते हैं राधा, जिनको ये प्रभु की प्रभु केवल दर्शन देते हैं, अंतर ध्यान हो जाते हैं आप, या एहसास होता है, या एहसास होता है आपका। अगर हमें एहसास न हो तो आप बैठे भी नहीं बैठे। अनुभव कर, अगर हम अपनी चित्त वृत्ति ना दें आपके प्रति तो आप बैठे भी बैठे रहो, हमारी दृष्टि में नहीं हो, हर समय प्रभु रहते हैं, बस उनमें तो आप लग के देखो, उनके सिवा कोई है ही नहीं। जैसे आंख मूंदो या आंख खोलो वो ही है, पर ये बात आपको अनुभव में आ जाए तब ना, इसीलिए तो साधना करते हैं। जिनको लगता है कि प्रभु दिखाई नहीं देते, प्रभु मिलते नहीं, भागवत पढ़ लेना, कपिल देव भगवान कहते हैं मैं अपने भक्तों को दुलार करता हूँ, उनसे बातचीत करता हूँ, भगवान से हम कह रहे हैं, वो मेरी सुंदर माधुरी मूर्ति को देख करके निहाल हो जाते हैं, मैं उनके सदैव संग रहता हूँ। भक्तन पाचे यो फिरे जीव बछरा संगाए, तो केवल ऐसे ही थोड़ी लिखा हुआ, अनुभव होता है कि प्रभु है। सच्ची बताया हमारा थोड़ा उद्दंड स्वभाव था कि जो बात अनुभव में नहीं आएगी वो बात हम बोलेंगे नहीं। अगर हमें आज तक अनुभव, बचपन से बाबा जी बने आज तक अगर हमें अनुभव ना होता, वही भगवान कह रहे हैं कि हैं और शास्त्रों में भी लिखा है, लेकिन आज तो कुछ पकड़ में तो बात आई नहीं, तो भाई अब देखो लगे रहो, हमें कोई अनुभव नहीं हुआ। हम ये बता देते भाई मानते हैं शास्त्र सत्य कहते हैं, मानते हैं मार्ग सत्य है, पर आज तक हमें कुछ अनुभव नहीं हुआ। ऐसा ऐसे प्रभु रखते हैं, ऐसे प्रतिपल अनुभव होता है, हमें कितना प्यार कर रहे हैं, कितना दुलार कर। जैसे बादशाह का अकेला लड़का राजकुमार हो, युवराज, उसकी कितनी व्यवस्था होगी, ऐसे भगवान अपने दास को दुलार करते हैं। ऐसे दास कहते हैं ना, करो सदा दिन के रखवारी ये बाल, पर ये उसी के लिए जिसको केवल भगवत आश्रय, केवल भगवत सहारा है, केवल भगवत संबंध है, ये उसी के लिए बात है। अगर अन्य कुछ है तो अन्य रूपों से वैसे ही पोषण करेंगे, पर आप जान नहीं पाओगे। मान लो आपका पुत्र का भरोसा है तो पुत्र में बैठ जाएंगे और आपको वैसे ही प्यार देंगे, पर आपको ये नहीं लगेगा कि भगवत कृपा है, भगवान का प्यार, आपको लगेगा पुत्र मुझे बहुत प्यार करता है। और जब सारे संबंध काट दिए तो खुला संबंध है उनसे केवल, अब अब आपके आकर हमें दुलार करेंगे, मुझे लगे मेरे भगवान मुझे प्यार कर रहे, नहीं तो मैं तो आपको जानता भी नहीं कौन हो कहाँ के हो, देखो मेरे प्रभु इसी रूप में आकर इसको निमित्त बनाकर ऐसा प्यार, वो हर समय अपने प्रभु में ही है। तो आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए।